फ्रंट सीट ये ड्राइवर ये गाड़ी ये चला रहे थे आपने मेरा चलान लिखा था इनका कैसे लिखा आपने मेरा लिखा था इनका कैसे लिखा आपने झूठ क्यों लिखा आपने झूठ देखो ये भैया एक मिनट इधर आना हम निधा बेगम है जी जी सर हम वहाँ से आ रहे थे हमने इंदिरा हॉस्पिटल में जाना था हम एड्रेस पता कर रहे थे इंदिरा हॉस्पिटल का और सर जब हम वहाँ गुरुद्वारे के पास पहुँचे वहाँ एक सरदार जी थे हमने नीचे उतरी मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी मैंने खोली मेरे हस्बैंड ने पहनी हुई थी जब मैं नीचे उतरी मैंने उनसे एड्रेस पूछा उन्होंने हमें कहा इस रोड से आप ऊपर जाइए वहाँ आगे आपको पता चल जाएगा जब हम वहाँ से निकले वो एसएचओ साहब थे तब उन्होंने वो वीडियो शीडियो नहीं मैंने मोबाइल में वीडियो बनाई उसके एएसआई है वो हम वहाँ से आए उन्होंने हमें इंसल्ट से बात की बदतमीजी से बात की मेरे हस्बैंड को घसीट के नीचे उतारा इनके पुलिस वालों ने रोका हस्बैंड को नीचे घसीट के उतारा तब इनकी ये वीडियो नहीं बन रही थी बदतमीजी से बात की और मैं नीचे गाड़ी में उतरी और मैं इनके पास गई सर क्या बात है आप हमारी गाड़ी के कागज क्यों छीन रहे हो उन्होंने बोला कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ मुझे हार्ट प्रॉब्लम है इंदिरा हॉस्पिटल का पता कर रही हूँ मैं वहाँ गुरुद्वारे के पास उतरी हूँ और मैंने सरदार जी से पूछा उससे मैंने सीट बेल्ट खोली वहाँ से यहाँ तक सिर्फ 10 कदम है और मैं यहाँ पहुँची हूँ क्या आप ये रहेगी आप बीजेपी और आईजी साहब से आपकी मैं बीजेपी और आईजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी प्लीज ये नाके वाली प्लीज वो एएसआई है मैं उनका नाम नहीं जानती क्या नाम है उनका इस टाइम देख लीजिए टाइम क्या हुआ है इतने बजे कौन एएसआई था उसके साथ कौन सी पुलिस थी सर आपकी पुलिस ने बदतमीजी से बात की बहुत इंसल्ट से बात की एक तरफ से आप बोलते हो औरतों की इज्जत होती है दूसरी तरफ से औरतों को पांव की जूती की मैल समझा जा रहा है और आपकी पुलिस औरतों के साथ बात करने का तरीका नहीं है आईजी साहब मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे या तो इन लोगों को तमीज खाइए या इन लोगों को हटाइए और आर्मी को लगाइए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ और दूसरी बात मेरी गाड़ी के सारे कागज इन्होंने ले लिए मेरे पास इतना नहीं है इनके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं तुझे ये कर लूंगा मैं तुझे वो कर लूंगा तेरी गाड़ी गायब करवा दूंगा तुझे घर से हटवा दूंगा और इस टाइम भी बदतमीजी से बात की मैंने उनसे इतना पूछा कि हमारी श्रीनगर की गाड़ी है इसलिए आपने रोकी है बोला हाँ श्रीनगर की गाड़ी है इसीलिए मैंने रोकी है और मेरी मर्जी है और तुम जाके कोर्ट से चलान अब मैंने जो करना है वो कर देना है तुम कोर्ट से मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मेरी वाइफ ने 2 मिनट के लिए उतारी थी ठीक है गुरुद्वारा देखो कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट भी नहीं लगते 5 मिनट के लिए मैंने सीट बेल्ट उतारी मैं एड्रेस पूछ रही थी और इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया बहुत गंदी बातें जब मैं वीडियो बनाने लगी उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाई ठीक है।